तो कैसे हैं आप लोग यार? जेई मेंस के फैब अटेम्प्ट में आया हुआ एक क्वेश्चन मार्च अटेम्प्ट में भी आ गया, मतलब एक महीने डेढ़ महीने के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो गया जेई मेंस के अंदर, है ना। पुराने सवाल तो आते ही रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है आते ही रहेंगे, और ये क्वेश्चन तो सेम ईयर में विद इन 1.5 मंथ जो है रिपीट हो गया। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्वेश्चन एकदम अच्छा है, इसके रिपीट होने का मुझे तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि बड़ा मजेदार सवाल है ये। तो मुझे लगता है रिपीट होने पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाए होंगे। आइए सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि B1, B2, B3 तीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना, इन अ सैंपल स्पेस। ठीक है, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 को P1 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 को अपन P2 ले लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 को अपन क्या ले लेते हैं, P3 ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहा है इसने, इसने कहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली B1 अकर इज अल्फा, है ना। ओनली B1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो अल्फा है। ओनली B1 का मतलब है B1 होना चाहिए, B2 नहीं होना चाहिए और B3 भी नहीं होना चाहिए, है ना। B1 होना चाहिए मतलब P1, B2 नहीं होना चाहिए मतलब 1 माइनस P2, B3 नहीं होना चाहिए 1 माइनस P3, है ना। दिस इज गिवन एज एल्फा, और उसी तरीके से ओनली बी टू की प्रोबेबिलिटी जो है बीटा दे रखी है, तो ओनली बी टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस P1 इंटू P2 इंटू 1 माइनस P3, दिस इज गिवन एज बीटा। ठीक है, और ओनली बी थ्री की प्रोबेबिलिटी गामा दे रखी है, तो ओनली बी थ्री की प्रोबेबिलिटी गामा दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू P3 इज गिवन एज गामा। ठीक है, और यहां पे लिखा है लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट बी आई अकर्स, है ना। पी प्रोबेबिलिटी दे रखी है जब कोई भी इवेंट ना हो, है ना, 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे दी, पी दे दी। ठीक है, और एंड दीज फोर प्रोबेबिलिटीज सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा और पी, है ना। दो इक्वेशन ये भी दे रखी हैं, है ना, चार प्रोबेबिलिटीज अल्फा बीटा गामा और पी, इन दो इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 की क्या वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप में सवाल आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 की वैल्यू पूछी है, इसको अपन यू बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी मानी अपन ने, P1 मानी है, और B3 कितनी मानी है, P3 मानी है, तो हमसे P1 बाय P3 की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, P1 बाय P3 की वैल्यू पूछी है, पूछी है तो बता देंगे यार, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बात तो नोट करने वाली है, अगर मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो अल्फा बाय पी निकालते हैं, अल्फा बाय पी कितना निकल गया, अल्फा बाय पी देखोगे तो वो हो गया P1 अपॉन 1 माइनस P1, ठीक है ना, P1 अपॉन 1 माइनस P1 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, फिर मैंने बीटा बाय पी और उसके बाद गामा बाय पी भी निकाल लिया, ठीक है ना, बीटा बाय पी कितना हो गया, बीटा बाय पी हो गया P2 अपॉन 1 माइनस P2, ठीक है, और गामा बाय पी भी निकाल लिया, है ना, गामा बाय पी हो गया P3 अपॉन 1 माइनस P3। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, अल्फा बाय पी, बीटा बाय पी और गामा बाय पी मैंने निकाल लिया, ये इक्वेशन गिवन है, यहां से मैंने बीटा की वैल्यू निकाल ली यार। देखो अल्फा पी माइनस टू बीटा पी इक्वल टू अल्फा बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो माइनस टू बीटा पी है ना, माइनस टू बीटा पी, इसको अगर मैं राइट में लाऊंगा तो प्लस टू बीटा पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख लो, आप बीटा कॉमन लोगे तो अल्फा प्लस टू पी आ जाएगा, अल्फा प्लस टू पी आ जाएगा, उसको यहाँ पे लेके जाओगे तो अल्फा पी अपॉन अल्फा प्लस टू पी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा के बराबर, है ना, अल्फा पी अपॉन अल्फा प्लस टू पी, अल्फा पी अपॉन अल्फा प्लस टू पी, है ना, ये हो गई बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई, ये यार बीटा की वैल्यू हो गई, है ना, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा इसको, बीटा की वैल्यू यहाँ पे हो गई, बीटा की वैल्यू हो गई अल्फा पी अपॉन अल्फा प्लस टू पी। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन में से भी मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, है ना, इस वाली इक्वेशन में से जो बीटा की वैल्यू आएगी, देखो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, दिमाग तेज करना पड़ेगा अपने को, सीधी सीधी काम, मतलब जो कम स्टेप्स में अपने को कैलकुलेशन करना आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगी बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गामा पी को राइट में लेकर के आओ, 3 गामा पी अपोन 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 कितना आएगा, देखो 2 बीटा गामा, है ना, ये है बीटा पी, है ना, बीटा पी 2 बीटा गामा लेफ्ट में लेकर गया, बीटा कॉमन आ गया, पी माइनस 2 गामा, है ना, पी माइनस 2 गामा देख लीजिए आप। ठीक है,
बीटा की दो वैल्यूज आ गई हैं, ये जो क्वांटिटी आई है ना, मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फा पी इंटू पी माइनस टू गामा, अल्फा पी इंटू पी माइनस टू गामा विल बी इक्वल टू, अल्फा पी इंटू पी माइनस टू गामा विल बी इक्वल टू थ्री गामा पी इंटू अल्फा प्लस टू पी, थ्री गामा पी इंटू अल्फा प्लस टू पी, है ना, इंटू अल्फा प्लस टू पी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं यार, अल्फा पी स्क्वायर माइनस टू अल्फा पी गामा इक्वल टू थ्री अल्फा पी गामा प्लस सिक्स गामा पी, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है जी। अब क्या किया जाए, पी जो है ना, पी कैंसिल कर दो ना यार, हाँ पी तो देखो यहाँ कैंसिल भी हो रहा था, ठीक है, ये देखो पी से पी यहाँ पे उड़ा दिया अपन ने, है ना, पी से पी यहाँ पे उड़ा दिया, तो ये हो गया अल्फा पी माइनस टू अल्फा गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा गामा प्लस सिक्स पी गामा, ठीक है, सिक्स पी गामा, ठीक है। अब देखो अल्फा गामा माइनस टू यहाँ पे है, इधर कितने हो गए, सिक्स हो गए, अल्फा पी इज इक्वल टू सिक्स अल्फा गामा प्लस सिक्स पी गामा, ऐसा कुछ सीन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों तरफ जो है मैंने पी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया अल्फा बाय पी इज इक्वल टू सिक्स, है ना, सिक्स अल्फा बाय पी इंटू गामा बाय पी, है ना, सिक्स बाय गामा, ठीक है, सिक्स पी गामा बाय पी, है ना, सिक्स गामा बाय पी, ठीक है जी। अब देखो अल्फा बाय पी की वैल्यू उठा के फिट कर दी, अल्फा बाय पी की वैल्यू कितनी है, पी वन अपॉन वन माइनस पी वन, ठीक है, पी वन अपॉन वन माइनस पी वन, ठीक है, सिक्स इंटू अल्फा बाय पी की वैल्यू है पी वन अपॉन वन माइनस पी वन, ठीक है, गामा पी की वैल्यू है पी थ्री अपॉन वन माइनस पी थ्री, ठीक है। एक चीज़ देखिए, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सिक्स गामा बाई पी की वैल्यू है पी थ्री अपॉन वन माइनस पी थ्री, इसको अगर मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन पी थ्री अपॉन वन माइनस पी थ्री। एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है दोस्तों, वो यह है कि इस पूरी इक्वेशन में देखिए पी वन और पी टू आ गए हैं, क्या आ गए हैं, पी वन एंड पी थ्री आ गए हैं इस पूरी इक्वेशन में, फिर से बता दूं, इस पूरी इक्वेशन में पी वन एंड पी थ्री आ गए हैं, तो यहाँ से पी वन एंड पी थ्री आ गए, इसको अगर सोल्व करेंगे तो पी वन बाई पी थ्री की वैल्यू सिक्स मिल जाएगी। अगर मैं इसको, है ना, यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेकर के, तो बच्चों वाली कैलकुलेशन बच गई है, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो पी वन बाई पी थ्री की वैल्यू आपको सिक्स मिल जाएगी। इंटीजर टाइप ये क्वेश्चन था और इसका आंसर कितना आ गया, सिक्स आ गया। आई होप आपको प्रोसेस एकदम क्लियर होगा मेरे दोस्तों। तो ये वो क्वेश्चन है जो फैब अटेम्प्ट में भी आया था और मार्च अटेम्प्ट में भी आया था, जिनको अलजेब्रा मैनेज करना आता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस मैनेज करनी आती हैं, मुझे लगता है उन लोगों ने तो इस क्वेश्चन को कर दिया होगा एकदम भन्नाट।